हरदा में विश्व विख्यात कथा वाचिका पूजनीय जया किशोरी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा 7 दिसंबर बुधवार से शुरू हो गई है, जिसका समापन 13 दिसंबर मंगलवार को कन्या विवाह समारोह के साथ संपन्न होगा। कृषि मंत्री एवं किसान नेता कमल पटेल और उनके परिवार के द्वारा इस श्रीमद् भागवत कथा का धार्मिक आयोजन किया गया। कथा शुरू होने से पूर्व हरदा नगर में कलश यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे शामिल थे। कथा के पहले दिन कथा वाचिका जया किशोरी ने कथा शुरू करते हुए एक ट्यूटर की मुद्रा में नजर आई। उन्होंने व्यासपीठ से कथा का श्रवण कर रहे सभी उपस्थित जनों को होमवर्क दे डाला, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल भी शामिल रहे। भव्य कलश यात्रा का जगह जगह धर्म प्रेमी जनता ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ आज कलश यात्रा के साथ हुआ। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिन में ख्यातनाम कथा वाचिका जया किशोरी जी ने बताया कि हर मानव ने अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे रखा है। इसका आशय है कि मानव खुशी हो या दुखी में हो, यह भी दूसरों के कारण ही आता है। मानव जीवन है, उसमें सुख और दुख चलता रहता है। हरदा से आलोक पटेल की रिपोर्ट। श्री जया किशोरी जी की श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ और 101 यात्री कलश लेकर महिलाओं ने बहुत अच्छा 5 किलोमीटर लंबा यहाँ बड़ा मंदिर से कथा स्थल तक पूरा शोभा यात्रा निकाली। उनका सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ और जितने भी श्रद्धालु आज आए उनका भी सभी का धन्यवाद देता हूँ। कल से सभी को निमंत्रित भी करता हूँ कि आप आइए, बहुत अच्छे आध्यात्मिक संत हैं, अच्छे वक्ता हैं, आप उनका प्रवचन का लाभ लीजिए। सब लोग आ रहे हैं, आज बड़े मंदिर से शोभा यात्रा निकली, इसमें सैकड़ों बहनों ने, माताओं ने भाग लिया, युवाओं ने, बुजुर्गों ने, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।